पुलिस लाइन पठानकोट में शहीदी समारोह का किया गया आयोजन। पुलिस लाइन पठानकोट में एसएसपी पठानकोट राकेश कौशल की अध्यक्षता में शहीदी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान शहीदी कर्मचारियों के 12 परिवारों को सम्मानित किया गया। आज का प्रोग्राम 21 अक्टूबर हर साल शहीदों के दिवस के वजों पुलिस कमीशन डे पुलिस मार्टर्स डे वजों मनाया जाता। इसे कड़ी चाहे अभी इकट्ठे हुए हैं अच्छ इस दिन सारे शहीदों जो पिछले एक साल दौरान वक्त वक्त फोर्सिस सारे इंडिया शहीद होए होंगे ने उन्होंने नाम पढ़े जाते हैं उन्होंने याद किया जाता शहीदों श्रद्धा समून अपने अर्पित किए जाते हैं उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की जाती है और ये दिन सारे ही इंडिया के वक्त वक्त फोर्सिस वालों वक्त वक्त संस्थाओं वालों मनाया जाता। स्टेट लैवल का फंक्शन साढ़े हमेशा पी ए पी जलंधर विखे होंगे उस तो अलावा जिन्हें डिस्ट्रिक्स बाकी जितने यूनिट्स है असं उत्ते अपना इंडिपेंडली इस फंक्शन मनाने उस तहत असं अज ये फंक्शन मनाया है जो शहीद परिवार ने असं उन्होंने सम्मान किया जो तिल फुल असं उन्होंने दे सके असं दिता है। मैं यही कहना चाहवागा कि मैं माण उन्होंने शहीदों पर इन्हों की शहादत बदौलत असी अज इतने खड़े हैं अज असं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं असं सारा मान सम्मान हासिल कर रहे हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पठानकोट में किए संगत दर्शन। संगत दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है वो मात्र चुनावी स्टंट है। और तो और उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए यह भी कहा कि गठबंधन सरकार सिर्फ काम करने में विश्वास रखती है जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ और खोखले दिलासों के साथ लोगों को गुमराह कर रही है। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ, ਇੱਕ ਰੋਡ, ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ। कैमरामैन अभिषेक के साथ अनिल भारद्वाज की खास रिपोर्ट, पंजाब सहारा समाचार, पठानकोट। बठिंडा, गगनदीप 11 नंबर गली भागो रोड निवासी का पर्स 3 कोनी पर मिला। वहीं तीन कोनी पर रहने वाले निवासी नरेंद्र कुमार और गोपाल नगर निवासी रोहित को वह पर्स मिला। दोनों युवकों ने ईमानदारी दिखाते हुए वह पर्स पंजाब सहारा समाचार की टीम के साथ जाकर उनके घर वापिस किया। क्या आपने उनको फोन करने की कोशिश की या पहले मतलब कुछ और बचा रहा था? विचार तो सही नहीं आया था, पहले तो पर्स में हमने कुछ देखा ही नहीं, देखते अंदर करा और एक खाली जगह पर ले गए, मोटरसाइकिल रोका, उसके बाद देखा उसके अंदर इनका कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, और टी वी सेंटर का भी पर्ची नहीं, दो 6000 रुपये की। और टी वी सेंटर के पास जाना कहा हमने, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर पोल टी वी सेंटर बंद था। उसके बाद इन्होंने हमने दोबारा चेकिंग करी, उसमें हमें आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड से हम बाबू रोड 11 नंबर गली में इनके घर के पास गए, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया, इन्होंने हमारा नंबर कॉन्टैक्ट किया, तो हमने यूज़ करा अपना पर्स दिया। तो सर आपका पर्स मिला? हाँ जी, हाँ जी। आपने मतलब क्या सोचा था? मैंने सोचा था अभी नहीं मिलेगा, फिर तो डॉक्यूमेंट मैं 2 ATM थे वो मैं ब्लॉक करना करने जा रहा था अभी, तभी तो मुझे घर से फ़ोन आया, अभी आए थे, कॉन्टैक्ट नंबर दे के गए हैं, उससे संपर्क कर लो, कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं आपके, तो मैं जो संपर्क किया तो भाई साहब से बात हुई और मैं बहुत खुश हुआ जी। ऐसे आजकल के टाइम में ऐसा कौन करता है, फोन करके मेरे घर पे गई। तो आज भी सच्चाई जिंदा है आपके कहने का मतलब? ये बिल्कुल जिंदा, आपका कहने का मतलब ये अभी आज भी सच्चाई जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने है। आप इनको क्या कहना चाहते हैं? थैंक्स कहना चाहूँगा जी, बहुत दिल से, और ऐसी सभी को ऐसा करना चाहिए जी, ये मिसाल है आप। आपके पर्स में आपका सब कुछ प्रॉपर है? प्रॉपर है जी सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कहते हैं अगले को चीज़ मिल गई, अगले को खुशी होगी, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें? हम तो कहते हैं हर एक बंदे को ये काम करना चाहिए, हर एक इंसान को कोई चीज़ मिले अगले को प्रॉपर देना चाहिए, किसी के डॉक्यूमेंट आज के टाइम पैसा जरूरी नहीं, डॉक्यूमेंट जरूरी है अगले के। कैमरा पर्सन डॉली के साथ विनोद कुमार हैप्पी की खास रिपोर्ट, पंजाब सहारा समाचार, बठिंडा। बठिंडा में लगे सरस मेले पर पहुंचे शहरीमान अमर सुजानपुरिया व कुलविंदर बिल्ला। बठिंडा की जमीन पर बहुत रौनक लगाई और बठिंडा की जमीन झूम उठी। इन लम्हों को पंजाब सहारा समाचार टीम ने कवर किया और पंजाब सहारा समाचार टीम के साथ अमर सुजानपुरिया के बठिंडा वासियों को खुश रहने का मैसेज दिया। कैमरामैन विनोद कुमार हैप्पी के साथ डोली अरोड़ा की रिपोर्ट, पंजाब सहारा समाचार, बठिंडा।